जोग टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुआडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या तुआडे नाल कोई ज्याती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते चलदा होया नोट कर गिनो। जुल्म दे खिलाफ वसेब दी आवाज। जी नाजरीन, 1818 जून को जनरल रणजीत सिंह ने मुल्तान दे उते हमला किया, तो मुल्तान दे हीरो आखिरी गवर्नर नवाब मुजफ्फर खान सदोजही ने अपनी शहादत नोश फरमाई और सरायकी वसेब दे नाल जिहड़ा रणजीत सिंह ने जुल्म किया उनके हवाले नाल असां गुफ्तगु करसों। साडे नाल मौजूद हैं जनाब शाहनवाज मशहूरी साहब, आप माशाला इंजीनियर भी हैं और आपने हमेशा सरायकी धरती की गल की है, सरायकी वसेब की गल की है, सरायकी वसेब के हर इशू के उत्ते असं आपके को टाइम घिंद रहे हैं, अज्ज हवाले आप गुफ्तगु करसों। असलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या सर? अल्लाह का एहसान शुक्र अलहमदुल्ला। अच्छा, ये दसो शाहनवाज साहब के 2 जून 1818 जिहड़ा रणजीत सिंह ने इस सरायकी धरती के जुल्म किया, सरायकी वसेब के जुल्म किया, कि लोग तारीख दसेंदी है कि ये वो दिन है कि जो मुल्तान दलिया गोडे गोडे खून आई, तो क्या अक्सो आज के दिन के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब जोग टीवी का। दोस्त गाल है कि पहले सबको ये देखना पड़ता है कि सिर्फ रणजीत सिंह की तरफों नवाब मुजफ्फर खान ने हमने 7 हमले का मुकाबला किए, जरा जो हूँ वेले अठा बजे तो वह पठाने का इतों का नुमाइंदा हा, लेकिन हूँ हूँ वेले ही मिट्टी के नाल पठाने के नाल खड़न की बजाय ही मिट्टी नाल खड़न का कहिया किया। असा ही वजह को आप मुजफ्फर खान को इतना अफसाना फसैला दूँ और वो ही मिट्टी के राह इतना आते लड़े, अपना बेटा त्रै बेटे बेटी इतना शहीद करिए थी, आप इतना आते लड़े। और दूजी तरफ रणजीत सिंह जेरा जो हमलावर हा, जेरा जो ही धरती के उत्ते इतना गिर आते हूँ खून रेजी की और आते हुकूमत की है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है कि ये दसो कि जो रणजीत सिंह ने हमला किया, इतने सारे हमलों के नाकाम साबित किया, ये जो हमला उनका कामयाब थी है, तुसे क्या समझते हो कि इन हमले के ताकत हैं जो उनके नाल खड़िया? बहुत सोहना सवाल। हाँ, पहले हमला थींदा रह गया तो उनका मुकाबला थींदा रह गया, आखिरी हमला जो किया गया उंझे वेले एडू बहावलपुर के नवाब साढ़े डी जी खान के सरदार ढेर सारा ताकत उन्हें को वेलकम आ गया और उनके बाद मुल्तान फतेह थे। अच्छा, तो दसी वजा शायद तुसा ही सवाल न कर सको, एक गलतुल आम गाल है कि रणजीत सिंह ने ही साढ़े मुल्तान सूबा को खत्म किया। रणजीत सिंह ने अपने दौर मुल्तान सूबा कायम रखा, उनके बाद आते इतना अंग्रेज ने आते ही सूबे को खत्म किया, मुल्तान सूबे को, और इतना के आते लाहौर को दम कर दिया। शाहनवाज मशहूरी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिरी गल करे, जोग टीवी को टाइम पूरी दुनिया में डिठा वह पे, सरायकी वसेब का कोई भी मसला हो पूरे पाकिस्तान जोग टीवी पेश खड़ा होता है, अज के दिन के हवाले जो बहर के मुल्कों सारे सरायकी ओवरसीयर पाकिस्तानी बैठे उन्होंने को क्या पैगाम दे सर? अज भी हालात उवे हैं पे, अज भी उवें मुल्तान जो है ना बेयार मददगार है, अज भी उवें रणजीत सिंह की ताकत उवें हमलावर हैं, अज भी इतों के जो रणजीत सिंह के दलाल हैं, अज भी वो उवें उवें रणजीत सिंह के नाल खड़े थे, हमने को सपोर्ट खड़े कर खड़े कर दें, कई बार वो बहावलपुर के नाते खड़े कर दें, कई बार वो जनूबी पंजाब के नाते खड़े कर दें, मुख्तलिफ शक्लों के रणजीत सिंह की हेल्प खड़े कर दें। असा अज के दी आते इतना वादा करें रहूँ, असा एक तहिया कर 2 जून को आते कि असा उवें रणजीत सिंह के खिलाफ खड़ूसूँ और खड़े रहसूँ। मैं वसे भी दोस्तों को हमेशा आदर आंदा कि तुसा देखो अज को तुसा देखते बैठो कि रोटी थोड़ी जी मिलती पी है, तुसा दिवे देखते पे अपनी शनाख्त को, कौमा शनाख्त को लेते रहा दिन, कौमा कल्चर को लेते रहा दिन, कौमा जबान को लेते रहा दिन, कौमा अपनी जितना भी धरती के वसायल होंगे उन्हें को लेते रहा दिन और आज़ादी चाहते रहा दिन। वो दोस्त जिन्हें मुख्तलिफ मतलब है हिंदे आते जज्बात आते कौम परस्तें के खिलाफ गल नहीं करते रहते हैं, कौम परस्त कमजोर कह नहीं तैदाद कम है, हो सकते अस इलेक्ट्रोल हवाले नाल तो असा इन्हें नाल इन्हें को कम हूँ, लेकिन कहीं ताकत के हवाले नाल कहीं हवाले नाल सारी आवाज़ है जी वो कितने ही कहीं ना दबा सकी वेंदी पी है और ना दबा सकते, इंशाल्लाह मजीद तहरीक मजबूत थींदी पी है। ये टाइम सरायकी वसेब की जितना गाल की वेंदी है, सरायकी सूबे की गाल की वेंदी है, सरायकी हकूक की गाल की वेंदी है, तो क्या अक्सो कि ऐसी मतलब नुमाइंदा आवाज़ है जी सरायकी कौम परस्त में या सरायकी कहीं मजलूम की आवाज़ को उजागर करें? सर, इतों की धरती वास जेरा भी है, ठीक है ना, वो ही वेले इतना सियाणा थी चुके हमको पता लग चुके कि सारे हकूक क्या हैं, सारे वसायल क्या हैं, सारी जबान से कब्जा क्या है। अच्छा, धरती वास को मतलब हमेशा मैं याद रहा, धरती वास को मतलब कि इतों का वसण वाला सरायकी नहीं,
हर वह बंदा जरा जिरी जबान बोलते जरा अं धरती रहा पे हूँ वसायल मसायल सारे जड़े वो साढ़े नाल मुश्तरक तकरीबन सारे कल्चर भी तकरीबन एक बेद नाल इोन शादियाँ गम्या वेन वक्त क्योंकि असा नफरत का शिकार रह गए एक बेद नाल मतलब सकूँ नफरत उत्तू सकूँ मिलन ही वजह को कुछ असा पहले थोड़ा जहा सारी आपस के कोई मसायल होंगे लेकिन मैं समझदा कि सारे दानश्वर ने सारे सियासी लोग ने इतों के वसेब के चाहे दूहे त्रीए पासू चाहे पठान हैं चाहे वह पंजाबी आ चाहे वह सराइकी आ चाहे वह बलोच आ हूँ ही गाल कुछ समझे कि असा कबर मुश्तरक ने सू इतने कट्ठे रहना पोसे अज भी तुम इतना देखो तो ढेर सारे दोस्त जे मतलब सराइकी जबान नहीं बोलेंगे हैं वसु के सराइकी उन्हें आ तो गुफ्तगू करते खड़े वो आ तो ही प्रोग्राम के पे तो मेरे ख्याल से जो धरती वास है जो इतों का लोग मजबूत है उनकी आवाज़ सब तो ज़्यादा मजबूत है और सारा जरा सियासी जमात है अल्लाह करे से मजीद फुलसन फुलसन क्योंकि असा कड़े फंड की कमी होंगे साढ़े कड़े मसायल होंगे ही वजह पूरी दुनिया के मसायल होंगे पे तो सारा सियासी जमात सराकी सियासी जमात सराकी सियासी दानश्वर शायर वो अपनी आवाज़ मजबूत की खड़े हाँ बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाजरी सर गुफ्तगु करते पैन शाह नवाज मशहूरी साहब सुजल धरती वास हैं और सीनियर कौम परस्त हैं हमेशा मैं इन्होंने को यह दिखा है कि ना इन्होंने लगी लिपटी गाल की है ना झुकने वाले ना विकने वाले हमेशा अपनी धरती की गाल की है धरती के हकूक की गाल की है तो नाजरीन जुड़े रहो झोक टीवी वसेब की आवाज़ अपने मेजबान रिजवान हुसैन को दिसो इजाजत अल्लाह हाफिज अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो लाइक करो सब्सक्राइब करो बेल आइकन नु प्रेस करो अगर तुआडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है या तुआडे नाल कोई ज्याती हो रही है ते साडा رابطہ نمبر تلے پٹی تے چلدا ہویا نوٹ کر گنو ظلم دے خلاف وسیب